नमस्कार बच्चों, बहुपद अध्याय तीन, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और जैसे पिछली क्लास में हमने आपसे कहा था कि इस एक्सरसाइज का नाम तो बहुपद है, लेकिन एक द्विघात समीकरण इसमें और प्लस हो रहा है, ठीक है। तो आज हम वही द्विघात समीकरण पर आधारित जो एक्सरसाइज अब हमारी स्टार्ट हो रही है उसमें कहा गया है, एक तो द्विघात समीकरण का मानक रूप, पेज नंबर 53 देख रहे हैं हम, 53 पेज नंबर। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है और गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के हल कैसे करते हैं, उससे पहले हम यह भी देखेंगे कि यह सवाल द्विघात समीकरण है या नहीं है, यह भी हमें जांचना है। तो आइए सर्वप्रथम हम मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। यह देखिए बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी द्विघात समीकरण की। इसमें क्या होता है बच्चों, सुनो सुनो सुनो, यहां एक्स की घात दो वो मैक्सिमम है, द्विघात, द्विघात समीकरण, नाम ही कह रहा है द्विघात समीकरण। समीकरण क्यों है पता है, क्योंकि बराबर में कुछ लिखा है इसलिए वो समीकरण है। तो इस तरह का जो होता है वो द्विघात समीकरण है। और हम संक्षिप्त में समझा दें कि किस तरह से सवाल आप लोगों को मिलने वाले हैं। जैसे हमने यहां पे 5x² और यहां पे ले लिया 6, ठीक है, और यहां पे ले लिया -17x, तो ये हमारा द्विघात समीकरण का रूप हो गया। इसमें जैसे त्रिपदीय गुणनखंड बराबर शून्य लिख रहे हैं बच्चों, जैसे त्रिपदीय गुणनखंड करते थे वो गुणनखंड हम करेंगे। और नाइन्थ में आप सैटेलाइट से लगातार जुड़े रहे हैं तो इसमें कहीं कोई तकलीफ आएगी नहीं आप लोगों को। यहां पे 5 × 6, 6×5 = 30, और 30 के जो दो टुकड़े हुए 15 × 2 = 30, 5x² - 15x - 2x + 6 = 0। और उसके बाद में क्या किया, 5x कॉमन, तो एक ब्रैकेट में x, एक में 3। अब कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आया, सर ये 3 कैसे आया, अरे एक्चुअल में कॉमन वो लेते हैं जो दोनों को डिवाइड कर पाता है, दोनों को भाजित कर पाता है, भाग दे पाता है। तो 5x दोनों को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने पे यहां x आया और यहां पे माइनस के 3 आया, इन दोनों में से कॉमन -2 है। तो यहां x और यहां माइनस का चिन्ह -3। और जैसा मैं अक्सर बताते रहता हूं कि इन दोनों ब्रैकेट्स को आप देखिए, x-3, जब दोनों ब्रैकेट एक से हो आगे बढ़िए, यस ग्रीन सिग्नल, अक्सर हम बताते हैं रोड सड़क सुरक्षा का भी चीज क्लियर हो जाती है, इसका मतलब ग्रीन सिग्नल, आगे बढ़िए। 5x - 2 = 0, तो ये बराबर शून्य के इधर तो हम करते रहे गुणनखंड, और जब ये दोनों गुणनखंड हो गए तो द्विघात समीकरण में या तो ये शून्य के बराबर या ये शून्य के बराबर, तभी हमारे को शून्य मिल सकता है। तो यहां x-3 = 0 और या फिर 5x-2 = 0। तो इधर से तो x = 3 आया और इधर से पहले राउंड में 5x = 2 और फिर x = 2/5। बच्चों इन्हीं को हम मूल भी कहते हैं, मूल, रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं, और इन्हीं को शून्यक भी कहते हैं। अगर मैंने यहां पे मान 3 लगा दिया तो हमारे को शून्यक प्राप्त होगा। आइए चेक कर लें, 3 का स्क्वायर 9, 9×5 = 45 प्लस का 17 = 51 माइनस का, और प्लस का 6 चल ही रहा है तो आप देख रहे हो कि ये दोनों मिलके प्लस के 51 माइनस के 51 बराबर शून्य। ठीक इसी तरह से निश्चिंत रहिए, 2/5 भी एक शून्यक है। इतना वक्त हम देना नहीं चाहते कि इसके भी शून्य हम आपको बताएं। तो बच्चों रूट्स ज्ञात करने का ये एक मेथड है जिसको कहते हैं गुणनखंड विधि। तो हम आपको दो चीज बता रहे हैं, ये मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मानक रूप किसका, द्विघात समीकरण का,
इसमें ध्यान रखना, ये आप लोगों को मिलेगा, a इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी अगर a को शून्य कर दिया तो बेचारा x स्क्वायर ही गायब हो गया, तो a कभी शून्य नहीं आएगा, b या c में से कोई शून्य हो सकता है, ठीक है। और अभी सवालों से आप लोग ये अच्छी तरह से परिचित हो जाएंगे, चिंता न करें। आइए अब हम आप लोगों को लिए चलते हैं पेज नंबर 55 नंबर पे। पुरानी बुक में भी 55 पेज नंबर था, वहां एक सवाल प्रिंटिंग मिस्टेक था, वो भी हम सुधरवा देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो कुछ जगह पे अभी क्यूआर कोड वाली नई बुक नहीं आई है, पुरानी बुक से ही काम चल रहा है। अगर ये संभव हो सके तो आप हमें सूचना भिजवा सकते हैं कि हमारे अभी नई बुक्स नहीं आई, तो हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे अवेलेबल करवाने की। ये क्यूआर कोड वाली जो बुक्स हैं, इस तरह से इसी पेज पे आप लोगों को क्यूआर कोड इसमें दिख रहा है, संभवतः नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, ध्यान दीजिए। यस कम ऑन, एक्सरसाइज 3.3 पहला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। संयोग की बात है, तीन तीन का अंक यहां है और पांच पांच का अंक यहां है, तो ये रोचकता लिए चलो करो बच्चों। पहला सवाल, उसका पहला पार्ट, कहा क्या गया है हमसे, निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है, हां या ना में आंसर आपको देना है। पर चेक कैसे करेंगे समझिए, एक्स एक्स प्लस एक प्लस आठ और बराबर एक्स प्लस दो एक्स माइनस दो, ठीक है। सवाल ध्यान से उतारिए, एक्स एक्स प्लस एक प्लस आठ और दूसरी तरफ एक्स प्लस दो एक्स माइनस दो। यस कम ऑन, इसमें ना या तो या लिखी या इस तरह का चिन्ह आप लगाते रहिए, आदत में डालिए। तो यहां पे क्योंकि ये और ये अगला वाला ये अगले वाला बराबर है, लेकिन यहां बराबर आ चुका, इसलिए यहां बराबर नहीं लगाते हम। x को इससे गुणा किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आठ और इधर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर। तो इधर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर और इस एक्स स्क्वायर को साथ के साथ इधर ले आइए, स्टेप ज्यादा हम बढ़ा नहीं रहे, प्लस आठ और यहां पे माइनस का चार बन के इधर आ गया, प्लस का चार बराबर शून्य। दोनों पदों को, इस पद को हम इधर ले आए, इस पद को इधर ले आई, ये कट गया बच्चों। तो x प्लस बारह बराबर शून्य, जैसा हमने आपसे कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का रूप ही नहीं है, बेचारा एक्स स्क्वायर गायब हो चुका, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का पद यहां पे नहीं है, द्विघाती नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। वैसे इस तरह के सवाल हां या ना वाले अक्सर एग्जाम में आते नहीं है बच्चों, ठीक है, लेकिन केवल बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम आपको समझा रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसी तरह के हैं, जैसे सेकंड वाले में जब हम x प्लस दो का होल क्यूब करेंगे तो x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, लेकिन x स्क्वायर का पद तो रहेगा, इसलिए संभवतया सेकंड वाला यस में आएगा, हां ये द्विघात समीकरण है। और हम आंसर शीट में आप लोगों के सामने चले गए, वहां हां ही लिखा है, और थर्ड फोर्थ भी हम देख लेते हैं, नहीं नहीं लिखा है, तो वो इसी तरह का मामला रहेगा। लेकिन फिर भी हम सेकंड सवाल एक बार आपको समझा देते हैं जिसमें द्विघात समीकरण है। देखिए कैसे, उतार तो लिया ना बच्चों आप लोगों ने, क्योंकि हम चाहते हैं जो सवाल नंबर दो कीमती सवाल है उस पर हम तेजी से पहुंचे, आप और हम तालमेल से चल रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो हमारी कसौटी पे पूरा खरा उतरिएगा आप लोग, तभी ये क्लासेस हमारी सफल होगी और हो रही है, इसमें आप लोग सब धन्यवाद के पात्र हैं बच्चों, पूरी टीम। यस,
x plus 2 whole cube is equal to x cube minus 4. पुनः पुनः देखिए x plus 2 का whole cube बराबर x cube minus 4. ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर उत्तर तो पहले ही देख लिया आप लोगों ने. बच्चों इधर 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 ध्यान दो आप लोग. इधर x plus 2 का होल क्यूब करना है तो आप लोगों को सर्व समीका का मालूम होना चाहिए कि यहां पे ये इस तरह की सर्व समीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं. बच्चों ध्यान दीजिए, a plus b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b. मार्केट में इसके दो तरह की फॉर्म घूम रहे हैं, एक ऐसी और एक ब्रैकेट खुले हुई, तो हम इसी तरह की फॉर्मेट का इस्तेमाल यहां कर रहे हैं. ये x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 a की जगह x और b की जगह 2 और इधर x प्लस 2 बराबर में x क्यूब माइनस 4 दिया गया है. x प्लस 2 का होल क्यूब है, a क्यूब की जगह b क्यूब की जगह प्लस 3ab की जगह और ये a प्लस b की जगह पे. आइए x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8, इधर बाहर 3 दुनी 6x, 6x इससे गुणा हुआ तो 6x स्क्वायर और ये 6x जब इससे गुणा हुआ तो 12x बराबर x क्यूब माइनस 4. कुछ बच्चे इसको देख के यहां से कट कर देते हैं, कर तो सकते हैं बच्चों, नहीं तो अच्छा रहेगा एक तरफ लाके कट कर दें. ये x क्यूब माइनस x क्यूब, उसके बाद में आप पहले 6x स्क्वायर लिख लीजिए प्लस 12x लिख लीजिए, 8 को उधर ले जाइए प्लस 8 प्लस 4 बराबर 0. अरे बच्चों ये तो यहां ले आए और इसको यहां ले आए, ये कट गया तो आया क्या हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 12 बराबर 0. चाहे तो 6 से हम इसको विभाजित कर सकते हैं, लेकिन हमें ज्ञात केवल क्या करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो 6 से डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है. कभी ऐसी स्थिति आए तो कर लिया करो डिवाइड, किससे 6 से जो कॉमन आ रहा है, तो हम चाहें तो 6 से भाग दे सकते हैं. ये लीजिए दे दीजिए, आधा डाल लीजिए, 6 से भाग देने पर तो इधर क्या हुआ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में है, द्विघाती है, अतः बस यहां लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण है. ठीक है ना बच्चों, उतार लीजिए जल्दी से, अतः द्विघात समीकरण है. फिर हम सवाल नंबर 2 समझा रहे हैं आपको, थर्ड और फोर्थ आप स्वयं कीजिएगा, उतारिए जल्दी से.
यस बच्चों, संभवतः आप लोगों ने सवाल उतार लिया होगा। ये सवाल नंबर दो देखें, उसमें क्या है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। जैसा एक सवाल हमने आप लोगों को मन से समझाया था, ठीक उसी तरह के सवाल है। अब आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस नाइन्थ एट्थ सेवेंथ वगैरह उस तरह के जो क्लासेस थी, खासतौर से नाइन्थ, उसमें आप कितने स्ट्रांग थे वो इसमें दिखाई देगा। देखो सवाल नंबर दो, इसका फर्स्ट पार्ट, 2x² - 5x + 3 = 0। हम गुणनखंड कर रहे हैं तो इसमें सर्वप्रथम इसको हम इससे गुणा करते हैं, तो 6x² आया, वो भी किसका, प्लस का। जब ये प्लस का आता है ना बच्चों, तो दोनों टुकड़े या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। वो बीच वाले से पूछो कि दोनों माइनस होना है कि प्लस, ये कह रहा है कि माइनस में हूं ना मैं, तो दोनों टुकड़े माइनस में कीजिए। तो यहां 3 × 2 = 6, क्या बोला मैंने, 3 × 2 = 6, तो ये 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। ये स्टेप सबसे कीमती है बच्चों, इन दोनों का योग माइनस के 5x है और इनका गुणनफल प्लस के 6x² है। इसको विशेष आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर ये स्टेप सही है तो सही जाने के चांसेस है, नहीं तो कुछ तकलीफ आ सकती है। इन दोनों में 2x, दूर बैठे हुए बच्चों को भी दिख रहा होगा, 2 2, x कॉमन, तो इधर 2x से डिवाइड किया तो x, माइनस 2x / 2x 1, और इन दोनों में भी कॉमन आपको 3 दिख रहा होगा, तो इधर x और यहां माइनस कॉमन ले लेते हैं ना बच्चों, तो ये माइनस का हो गया माइनस का 1। अब आप दोनों ब्रैकेट पे नजर डालिए, x - 1, हाँ x - 1, अंदर से आवाज आएगी कि हाँ x - 1, तो यहां से x - 1 और दूसरे में 2x - 3, तो दोनों गुणनखंड के हमने अलग अलग, या तो ये बराबर शून्य या ये बराबर शून्य, x - 1 = 0 या 2x - 3 = 0, तो इधर से आया x = 1 और इधर से क्या आया, 2x = 3, तो x = 3/2। बस फिर क्या था, हमारे इसके मूल गुणनखंड विधि से आ चुके, एक उत्तर हुआ 1 और 1 हुआ 3/2। आइए आंसर शीट से मिलान करने का सिलसिला हम आज भी जारी रखेंगे। यस उत्तर है इसमें बच्चों 1 और 3/2, हां यही तो है। ऊर्जा लीजिए, एनर्जी लीजिए, आगे बढ़िए, उतारिए फटाफट। और बच्चों सुनो, अभी अंतराल के टाइम में आप लोग इसका देखे सेकंड, और ये थर्ड वाला तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, तो सेकंड और फोर्थ करने की कोशिश करना, इसको तो उतार लीजिए जल्दी से, उतारिए उतारिए। ये गुणनखंड अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अभी 2-3 रोज पहले की जो हमारे नाइन्थ के लिए क्लासेस थी, इस तरह के हमने 15 सवाल उनको समझाए थे, अलग अलग टाइप के, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, और ऐसे ही हमने आप लोगों को पिछले साल समझाए थे, तो वो क्लासेस भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं समझने की दृष्टि से। संभवतः ये उतार लिया होगा, मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। We'll be right back.
स्वागत है आईसीटी के इस लाइव क्लासेस में। यस, सवाल नंबर दो अगर आप लोगों ने किया है ईमानदारी से तो चेक कीजिए, 9x² - 3x - 2 = 0। इसमें 9 को किससे गुणा किया, -2 से, तो माइनस के 18x² आए अब की बार। जब ये माइनस में आता है ना बच्चों, इसका मतलब एक टुकड़ा प्लस में और एक टुकड़ा माइनस में होगा, एक प्लस में और एक माइनस में। तो इनमें इसको इससे गुणा किया, -18x² 3 का अंतर चाहिए, एक प्लस और एक माइनस अंतर 3, 6 3 18। अब रही बात किसको प्लस का किसको माइनस का, तो यहां पे माइनस के 6x प्लस के 3x -2 = 0। कई हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे इसको 6 + 3 = 9 समझ लेते हैं और यहां माइनस लगा देते हैं कि देखो सर ये 3 बचा। ऐसे नहीं बच्चों, ये माइनस का 6 प्लस का 3, रिजल्ट माइनस का 3। ये प्लस माइनस की गलतियां मत किया करो आप लोग। यस, इन दोनों में 3x कॉमन। अब इसमें गया 3x बार, 3 का भाग गया 2 बार। इसमें x क्यों नहीं लिखते पता है, क्योंकि x तो कॉमन में चला गया। इधर x स्क्वायर का x क्यों लिखा, क्योंकि x तो कॉमन में गया। इधर में जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो एक तो साथ देता है, यानी कुछ तो कॉमन आता है। तो इधर हमने लिखा 3x - 2 = 0। क्या बोला मैंने, 3x - 2, 3x - 2 दोनों जगह एक साथ दिख रहा है, आगे बढ़िए। तो यहां 3x - 2 और दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1 = 0। तो क्या रहा, 3x - 2 = 0 और दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1 = 0। तो इधर से क्या आया, 3x = 2, तो x = 2/3, x = 2/3। और इधर में क्या आया बच्चों, 3x = -1, तो x = -1/3। उतार लीजिए, 2/3 - 1/3, आंसर शीट से मिलाएं जरा। यस, -1/3 और 2/3। कुछ बच्चों को इसमें भी एतराज है कि सर उत्तरमाला में ये इधर लिखा है और ये इधर लिखा है। अरे बच्चों वो एक ही बात है, ठीक है, शून्यक यानी मूल, इनको इधर लिखो चाहे इधर लिखो। जैसे कभी कभी होता है ना, कौन कौन गए थे वहां पे, राम गया था और श्याम गया था। अरे श्याम राम बोल दो, बात तो एक ही है बच्चों, ये ध्यान रखिए, ठीक है। ये था सेकंड पार्ट, और जिन बच्चों ने ये किया था और यही उत्तर आए थे, बहुत अच्छे बच्चों। आइए एक तीसरा हम समझा दें, फिर हम आप लोगों को ये 9th 10th 11th वाले जो सवाल है ना वो थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं, खुद करना बच्चों उनको। और सवाल नंबर जो 9th है उसको हम थोड़ा सा सुधरवा देते हैं, पिछले साल वो थोड़ा सा मिस्टेक थी उसके अंदर, अभी बता देते हैं आप लोगों को। उतार लो जल्दी से, यस बच्चों ये छोटे मोटे सवाल में एक रूट वाला हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे कई रूट में तकलीफ पाते हैं। तो बच्चों रूट में तकलीफ मत पाया करो, √3 × √3, एक तरह से वो 3 है, और √5 × √5, एक तरह से वो 5 है। तो यहां कैसे करेंगे समझिए ध्यान से, √3x²
plus 10x plus 7 root 3 is equal to 0. सवाल सावधानी से उतारिए बच्चों, अगर हमने भी गलत उतार लिया ना तो फिर गलत तो होगा ही बच्चों, उतार ही गलत लिया. root 3 x square plus 10x plus 7 root 3 is equal to 0. All are in positive sign, सभी धनात्मक हैं. इसको इससे हमने गुणा किया तो ये गुणा कैसे होता है देखो, 7 root 3 multiply by root 3, तो root 3 से multiply होके 3 बन गए और ये एक तरह से इनका गुणनफल जो है वो 21 आया. अब 21 के दो ऐसे गुणनखंड करने, ऐसे टुकड़े करने जिनका टोटल 10 आए, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21, दोनों प्लस में, प्लस का 7 प्लस का 3. तो हम यहां पे रूट 3x स्क्वायर है ना, इधर में प्लस का 7x भी लिख देते हैं, प्लस का 3x भी लिख सकते हैं. हम 3x लिख रहे हैं जिससे आप लोगों को समझ आ जाए कुछ कॉमन आ रहा है, और इधर 7x लिख रहे हैं प्लस 7 रूट 3 इक्वल्स टू 0. अब एक बात समझानी है यहां पे, जब इसने बच्चों रूट 3 रूट वगैरह दिख रहे तो हम रूट भी कॉमन ले सकते हैं इस बार, ये ध्यान रखना. ये थोड़ी सी स्टेप हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ दे सकती है कि रूट 3x स्क्वायर रूट 3x, तो यहां तो आया x और इस 3 में, इस 3 में रूट 3 इंटू रूट 3 छुपा हुआ है, रूट 3 इंटू रूट 3 ये दिख रहा है ना बच्चों. तो हम यहां पे एक बार का रूट 3 कॉमन ले रहे हैं, दूसरी बार का रूट 3 ब्रैकेट में. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना इन दोनों को तो यही चीज पैदा होगी बच्चों. और इधर से 7 कॉमन आ रहा है तो x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0. तो इधर एक ब्रैकेट में x प्लस रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में रूट 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0. वही दो पार्ट कीजिए, पहले पार्ट में या तो x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 और या फिर रूट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. तो इधर से क्या आया, हां हां, x माइनस रूट 3 और इधर से रूट 3x इज इक्वल टू माइनस 7, यानी x बराबर माइनस 7 बटे अंडर रूट 3, दोनों माइनस में. और आंसर शीट से तो मिलाना ही है हमारे को, माइनस रूट 3 वो रहा और माइनस का 7 अपॉन रूट 3. उतार लीजिए जल्दी से, फिर एक ये आगे छोटे मोटे बीच के सवाल आप लोग खुद कर लेना. हम जो बड़े सवाल इसमें 9th 10th 11th वाले हैं उनमें से कुछ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से उतारिए आप लोग. यस बच्चों, संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा. अब हम सीधे लिए चल रहे हैं आप लोगों को 9th सवाल की ओर. ये 9th सवाल पिछली बुक्स में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स थी बच्चों, तो आप लोग अगर आप लोगों के पास में लास्ट ईयर की बुक है तो आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा. सही ये है 3x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3. लास्ट ईयर की जो बुक थी उसमें यहां पे x माइनस छपा हुआ था, ठीक है, तो इधर राइट हैंड वाली साइड सुधार लीजिए. नई किताब में सही छप के आ चुका है x प्लस 3 बटे x प्लस 3,
बराबर 3x-7 बटे 2x-3। इसमें हम करेंगे वज्रगुणन, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे? ये x प्लस 3 गुणा होगा किससे? 2x-3 से। और इधर जो 3x-7 है वो गुणा होगा किससे? x प्लस 2 से। कुछ बच्चों का कहना है कि सर ये ब्रैकेट पहले ये बाद में लिख ले तो। अरे लिख लो ना बच्चों, कहां दिक्कत है। यस, अब हमारे को इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, ये इसको इससे, इसको इससे। आइए x से गुणा करें पहले, 2x² - 3x। पहले x को गुणा किया इससे, x को गुणा किया इससे, अब प्लस 3 को इससे गुणा करेंगे, 3 × 2 = 6x - 3 × 3 = 9 बराबर। आइए 3x से इधर गुणा करें, 3x² + 6x, और -7 से इसको गुणा किया, -7x - 14। हर स्टेप कीमती है, ध्यान से। अब यहां पे पहले ये x दो दो जगह दिख रहे हैं ना बच्चों, इनको एक जगह कर लीजिए, 2x² + 3x - 9 बराबर। और ये प्लस का 3x रिजल्ट आया है यहां पे, और इधर में 3x² - x - 14। अब यहां पे एक्स स्क्वायर किधर ज्यादा दिख रहा है? इधर ज्यादा है ना बच्चों, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं सारे पद इधर लेके जाए। यहां तक तो आप लोग उतार लीजिए, जल्दी से उतारिए। अरे ध्यान बच्चों, उतारने पे रखिए आप लोग। यस, अब हम अगर इधर लेके आएंगे ना बच्चों सभी पदों को, तो हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। हम नहीं चाहते एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो, तो हम इन तमाम पदों को उधर लेके जा रहे हैं। बराबर जीरो इधर लिखने की बजाय लास्ट में भी लिख सकते हैं, और अगर आप इधर लेके आओगे ना बच्चों, तो पूरे समीकरण को माइनस से गुणा करना होगा। तो यहां हम नहीं चाहते माइनस से गुणा करना, तो 3x² 2x² उधर गया, -2x², ये माइनस एक्स दिख रहा है, ये 3x उधर गया, -3x, ये -14 दिख रहा है, -9 इधर गया, +9 बराबर 0। फिर से देखिए, ये 2x² माइनस में हो गया, 3x माइनस में हो गया, -9 का +9 हो गया, और ये तीनों पद ऐसे के ऐसे। तो यहां क्या हुआ बच्चों, सुनो सुनो सुनो, ये एक्स स्क्वायर आया, ये -4x, और ये -5 बराबर 0। इस स्थिति में हमारे को द्विघात समीकरण करने होते। जल्दी से उतार लो यहां तक आप लोग, x² - 4x - 5। अब केवल 1-2 मिनट का ये सवाल बाकी है, आइए जल्दी से हम इसको भी कर लें, x² - 4x - 5 = 0। तो इसके गुणनखंड हुए बच्चों 5 × 5, तो x² - 5x + x - 5, माइनस के 5 प्लस का 1, x कॉमन तो x - 5, प्लस 1 कॉमन x - 5। तो यहां पे एक ब्रैकेट x - 5 और दूसरा ब्रैकेट x + 5, बस। तो दोनों ब्रैकेट के बराबर 0 लिखिए, दोनों ब्रैकेट के बराबर 0, तो हमारे को x के मान मिल जाएंगे, x - 5 = 0, और या फिर x + 1 = 0। तो इससे x = 5 आया, और इससे x = -1। आइए आंसर शीट से हम मिला ले आंसर जरा, +5 और -1।
यस बच्चों, प्लस पांच माइनस एक, यही आंसर है। तो आपने समझ भी लिया होगा, काफी कुछ बच्चों ने उतार भी लिया होगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार बच्चों।